जैसे ही रानी घाट क्रॉस करते हैं तो हम अगले घाट पे पहुंचते हैं, वो है प्रहलाद घाट। प्रहलाद भक्त हैं जो हमारे कर्णा के, सब उनके पिता एक राक्षस थे, सो हम उनका बचाने के लिए उनसे भगवान नरसिम्हा ने अवतार लिया था, उनकी स्मृति में उनकी यादगार में ये घाट बनाया गया है। आप देख सकते हैं प्रहलाद घाट यहाँ पे ऊपर। नाव पे अभी नहीं जाना यार, शाम को जाएंगे। प्रहलाद घाट के ऊपर आपको श्री तुलसीदास जी का एक मंदिर मिलेगा। तुलसीदास जी ने स्वयं यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहन बसेरा किया था। घाट पे आपको साथ में एक बहुत सारे ऐसे नाव बनती दिखाई दी जाएगी आपको, देख सकते हैं जैसा कि आप नाव का निर्माण चल रहा है। यहाँ पे ये नाव बनाई जा रही है, एक नई नाव। हर जगह पे आपको ब्लैक ऑयल कवर करते हैं, ब्लैक ऑयल से इसको पेंट किया जा रहा है इसकी मजबूती बनाई रखी जाने के लिए। तो ये था हमारा प्रहलाद घाट। प्रहलाद घाट से ही आगे जुड़ा हुआ है अपना नया घाट। हम लगता है निर्माण है, इसलिए इसका नाम भी नया घाट। अभी नया घाट बन रहा है तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, नया घाट ही रखा हुआ है। ये नया घाट हो गया है। यहाँ पे भी आपको यात्रीगण आते हुए दिखाई देंगे। बनारस की छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी गलियाँ, घाट वॉक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही रहता है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं आपको सामान बेचने वाले। नाव वाले आपको यहाँ पे हर जगह दिखाई दे जाएंगे। आपको यहाँ से हर एक घाट से नाव मिलेगी, आपको पूरे 84 घाटों के दर्शन कराएगी। जैसे ही हम नया घाट कवर करते हैं, एक नए घाट की तरफ पहुँचते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। घाट वॉक है, देखते हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है भाई? हर घाट पे आपको मिलेगा टॉयलेट, चेंजिंग रूम सब मिलेगा आपको। तेलिया नाला घाट, ये आ गया हमारा तेलिया नाला घाट। ये काफ़ी मनोहर दृश्य है। धोती या चादरें सुखाई गई हैं यहाँ पे घाट के ऊपर, एक अजीब सी वाइब सारी है देख के। ये आपका तेलिया नाला घाट, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है कुछ काम, इसको भी नवनिर्माण किया जा रहा है इस घाट का। ये है तेलिया नाला घाट। हर जगह पे नाव का निर्माण, ये घाट के ऊपर ऐसे ही घर बना के रहते हैं वे लोग। साका घाट, अब हम पहुंच चुके हैं तेलियानाला से आगे साका घाट के पास में।
काफ़ी सुंदर मनमोहक दृश्य है और सूर्यदेव भी हम पर आज सक्का घाट ही है, सक्का घाट सक्का, और सूर्यदेव भी आज हम पे प्रसन्न है, अच्छी दिव्य दृष्टि बनाई हुई है। मौसम बहुत ही मनमोहक है और मधुर मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतनी गर्मी नहीं है आज, तो हमने अभी सक्का घाट भी कवर कर लिया है।